किसान भाइयों, आप अक्सर हमने देखा है कि ऐसी फसलों की खेती करते हैं जिनके फसल उत्पादन के बाद उनका जो वेस्ट होता है उसे बाहर फेंकना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। किसान भाइयों की इसी समस्या को देखते हुए सर आज एक ऐसी मशीन लेके आए हैं जिससे हमारा जो वेस्ट होता है उसे आप खाद बना सकते हैं या फिर उसे बेचकर आप एक अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं इस मशीन के बारे में। तो सर आपका एक बार फिर जी नमस्कार जी। तो सर जैसे कि अक्सर हम देखते हैं कि छिब्बर एग्री इक्विपमेंट जाना जाता है नए नए प्रोडक्ट्स लाने के लिए, तो आज आप जो प्रोडक्ट लेकर आए हैं उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। नमस्कार दोस्तों, जितने भी मेरे भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं, आप किसानी से जुड़े हुए हैं तो आपको पता है जब भी आप बागवानी या किसानी करते हैं तो ऐसा एग्रीकल्चर वेस्ट आपके पास आ जाता है जिसको संभालने में बहुत जगह लगती है और उसके रखरखाव में बहुत टाइम और आपकी लेबर कॉस्ट आ जाती है। अगर आप बगीचों में बागों की बात करें तो टहनियों की छंटाई हो जाती है, लकड़ी आपके पास आ जाती है। अगर आप साउथ वाली साइड पर बात करें, नारियल का जो फल लेने के बाद जो उसके पौधे बचते हैं, जो पत्ते बचते हैं, उसकी छंटाई में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये एक ऐसी मशीन हमने बनाई है जिससे जो आपका वेस्टेज मटेरियल है, जो भी आपके पास लकड़ी वेस्टेज है, चाहे गीली है सूखी है, आप उसको खाद के तौर पे कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे मुनाफा कमा सकते हैं। आप उसको इंडस्ट्री में देके जलाने के तौर पे उसका उपयोग में लाया जा सकता है, पहाड़ी एरियाज में जानवरों के नीचे बिछाने के लिए उसका उपयोग में लाया जा सकता है, या अगर आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो जो सब्जियों के बीच में मल्चिंग की जगह भी इसका उपयोग में लाया जा सकता है इसको। किसान भाई एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो किसान भाई एप्पल बेर की खेती करते हैं उन्हें हर साल अपने पौधों की कटाई करनी होती है और जो वो वेस्ट निकलता है उसे खेतों से बाहर डालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल। बिल्कुल नहीं, तो किसान भाई उन जो टहनियाँ होती हैं उनको अंदर डाल के भी अपने जो खेत में जो खाद है उसको तैयार कर सकते हैं। उसके बाद सर हम ये जानना चाहेंगे कि एक तो इसके फीचर्स कैसे हैं और इसे हम ऑपरेट किस तरीके से करेंगे। सर ये मशीन में सबसे पहले आप इसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए देख सकते हैं, हमने इसमें हैवी ड्यूटी के टायर्स लगा दिए हैं जिससे इसको आसानी से आगे पीछे किया जा सकता है। उसके बाद जो इसमें इंजन लगा है 212 सीसी का एयर कूल्ड इंजन लगा है, 4-स्ट्रोक पेट्रोल में 7 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है, बहुत ही हैवी ड्यूटी का इंजन है। उसके बाद ये जो हॉपर है, यहाँ से आपने जो भी आपके पास लकड़ी है टहनी है वो यहाँ से आपने डालनी है। हॉपर की लेंथ बहुत है, आपका हाथ आने का डर नहीं है, यहाँ से आपका जो लकड़ी का बुलाता है वो बन के बाहर आएगा। इस साइड पे इसके ब्लेड्स चलते हैं। उसके बाद जो इसका इमरजेंसी स्टॉप स्विच है, अगर आपको मशीन कहीं रोकनी है या बंद करनी है तो आपके पैरों से ही आसानी से इसको बंद कर सकते हैं जी। तो सर ये काफ़ी अच्छा फीचर दिया आपने, जैसे कोई इमरजेंसी आई तो किसानों को झुकने की जरूरत। बिल्कुल जी, पाँव लगाया और इसे बंद कर दिया। सर उसके बाद हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे, एक तो इसका प्रोडक्शन कितना होगा और उसके बाद कितनी मोटी साइज की जो लकड़ी होगी उससे हम इसका बुरादा बना पाएंगे। सर अगर हम इसकी फ्यूल कंजप्शन की बात करें तो जैसे कि 4-स्ट्रोक का इसमें इंजन लगा हुआ है, ये घंटे का 600 से लेकर 700 ml फ्यूल कंज्यूम करेगा। वहीं इसकी प्रोडक्शन की बात करें, प्रोडक्शन डिपेंड करती है जिस आदमी ने लकड़ी डालनी है, वैसे एवरेज हमें किसान भाई बताते हैं ये मशीन से घंटे की 700-800 kg वो लकड़ी को बुलादे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब रही बात इसमें लकड़ी कितनी मोटी जानी है, दोस्तों ये जो मॉडल हमने डिज़ाइन किया है आपके पास किसी भी किस्म की गीली या सूखी लकड़ी है वो इसमें डाल सकते हैं, मोटी से मोटी आप 8-9 इंच तक की मोटी लकड़ी इसमें से निकाल सकते हैं। तो सर उसके बाद आप हमें ये चीज़ बताइए कि अगर किसान इसे लेते हैं तो जैसे कितने टाइम बाद, अगर किसी को 1 साल बाद 2 साल बाद किसी पार्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो एक तो उन्हें पार्ट्स कैसे मिलेंगे और इसकी जो सर्विस है वो सर्विस किस तरीके से होगी और कहाँ होगी उसके बारे में। सर इसका कोई भी स्पेयर पार्ट आपको चाहिए तो मार्केट में भी मिल जाएंगे ब्लेड्स इसके, हमारे पास भी इसके अवेलेबल हैं, आप किसी भी समय हमें कॉल करके इसका स्पेयर पार्ट हमसे ले सकते हैं। रही बात इसकी सर्विसिंग की तो जैसे कि पेट्रोल इंजन है, आपके लोकल एरिया में जो भी बाइक या टू व्हीलर का मैकेनिक है वही आसानी से इसकी सर्विसिंग कर देगा। सर उसके बाद जैसे आपने हमने देखा कि आपके बाकी जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर भी आप गारंटी या वारंटी देते हैं, तो इसके ऊपर क्या मिलेगा उसको भी आप थोड़ा समझाइए। सर हम अपने जाने जाते हैं क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए, तो हम इस प्रोडक्ट पे भी अपने किसान भाइयों को 12 महीने यानी कि 1 साल की वारंटी देंगे। सर उसके बाद एक तो इसकी प्राइस कितनी है और फार्मर इसे कैसे परचेस कर पाएंगे वो भी आप बताइए। सर ये जो मॉडल है इसकी कीमत है 75,000 रुपया, 75,000 में आपके घर तक पहुंच होगी, कोई अलग इसके अलावा आपको अलग से GST या ट्रांसपोर्टेशन नहीं देना है। ऑर्डर करने के लिए आप डायरेक्टली हमारी कंपनी विजिट कर सकते हैं जो कि पंजाब में बठिंडा से अगला स्टेशन है कोटकपूरा, वहाँ पर हमारी कंपनी है। घर बैठे ऑनलाइन मंगवाने के लिए आपको स्क्रीन पर हमारे नंबर दिखाई दे रहे हैं, मेरे छोटे भाई साहब हैं पादल जी जिनका मोबाइल नंबर है 9855219706 और मेरा नाम है राहुल, मेरा मोबाइल नंबर है 9814231007, मैं हिंदी में बोल देता हूँ 98552 19706 और 98142 31007।
इसके अलावा हमारी वेबसाइट है chhabbaragri.com के नाम पे, हमारा यूट्यूब चैनल है, आप उस पर भी जाके बाकी प्रोडक्ट्स की डिटेल देख सकते हैं। ये प्रोडक्ट मंगवाने के लिए आपको दोस्तों सिर्फ 10,000 रुपया कंपनी के करंट अकाउंट में एडवांस देना है, अपना नाम पता लिखवाना है, हम यहाँ से प्रोडक्ट प्रॉपर लकड़ी की पेटी में पैक करके उसको आपके दिए गए पते पर डिस्पैच करेंगे। जब प्रोडक्ट लास्ट डेस्टिनेशन पे पहुँचेगा आपको बकाया राशि कंपनी के अकाउंट में जमा करवानी है, उसके बाद हम यहाँ से मेल के माध्यम से DACC कैंसिल करवा के मशीन की डिलीवरी आपके घर तक करवाएंगे। तो किसान भाई, आपने देखा कि किस तरीके की वुड चिपर यहाँ आपको देखने को मिलती है, जिसका उपयोग करके आप अपने खेतों में जो वेस्ट था उसे यूजफुल बना सकते हैं और अपने खेतों में जो खाद है उसको तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको सर ने पूरी प्रोसेस बता दी कि किस तरीके से आप इसे परचेज कर सकते हैं, साथ ही इसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करते हैं तो सर के जो मोबाइल नंबर है वो आपको वीडियो के स्क्रीन पर और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे ऑर्डर कर सकते हैं, उसे परचेज कर सकते हैं। अगर आप परचेज करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जब भी आप परचेज करें तो आपको सर को हमेशा ये बताएं आपको कि आप हमें एक बार वीडियो कॉल ज़रूर करें और वीडियो कॉल पे आप सर से बात करें या फिर सर की कंपनी का जो ओवरव्यू इस वीडियो में आप देख रहे हैं वो वीडियो कॉल के ऊपर देखें, फिर ही आप अपना ऑर्डर प्लेस करें ताकि आपको जो सही प्रोडक्ट है वो मिल सके। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही दूसरे दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलेंगे इसी प्रकार की एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।